नमस्कार दोस्तों, हेल्थ प्लेजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में बालों का झड़ना इतना आम समस्या हो गया है कि हर घर में 2 से 3 लोग इससे परेशान हैं। दोस्तों, इसका कारण है गलत खान पान और तनाव भरी जिंदगी। लेकिन दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो में मेथी दाने का ऐसा 6 तरीका बताने वाला हूँ जिससे न सिर्फ आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा बल्कि नए बाल उगना शुरू भी हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि दोस्तों हमारा मोटिवेशन अप हो और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला तरीका है मेथी और नींबू रस। दोस्तों, बालों की समस्या से मुक्ति पाने के लिए आप मेथी के पाउडर में नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को बालों की जड़ों पर लगाना है और कुछ देर तक छोड़ दें। सूख जाने पर इसे नॉर्मल पानी से धो लें। इस उपाय को सप्ताह में 2 से 3 बार करें, आपके बालों की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। नंबर 2, मेथी और दूध। दोस्तों, मेथी के दाने में एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल के गुण मौजूद होते हैं जो सिर के फंगस को दूर करके बालों को साफ सुंदर बनाने में मदद करते हैं। कच्चा दूध के साथ इसका पेस्ट तैयार करके हेयर मास्क को सिर पर लगाएं। इसका उपयोग करने से आप कई समस्याओं से छुटकारा पा सकती हैं। नंबर 3, मेथी और आंवला। दोस्तों, मेथी के दाने में प्रोटीन और पोटेशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। उसी तरह से आंवले में भी कई पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कैरोटीन, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो बालों को मजबूत बनाकर गंजेपन की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। मेथी और आंवला के पेस्ट को बनाकर मिश्रण बालों पर लगाने से आपके कई बालों की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 4, मेथी की पत्ती और दही। दोस्तों, सबसे पहले मेथी की पत्ती को पानी में डालकर उबाल लें। अब इन्हें पीस कर एक मिश्रण बनाकर बाउल में रखें। इसमें दही मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस पेस्ट को बालों की जड़ों में लगाकर 45 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। अब ठंडे पानी से बालों को धो लें। इससे बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। अगर आपके पास पत्तियां नहीं है तो आप मेथी के दाने का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 5, मेथी दाने का पानी। दोस्तों, यदि आप बालों में मेथी दाने का उपयोग करना चाहते हैं तो पहले 2 चम्मच मेथी दाने का पानी को उबाल लें। उसके बाद दोस्तों इसे ठंडा कर लें। इस पानी से अपने सिर को धोएं और 10 मिनट तक छोड़ दें। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि मेथी दाने को रात भर के लिए भिगोकर रख दें। सुबह इसका पेस्ट तैयार करके गीले बालों पर लगाएं और 30 मिनट के बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। कुछ दिनों में आपके बाल झड़ना बंद हो जाएगा। नंबर 6, नारियल तेल और मेथी दाने। दोस्तों, मेथी के दाने को पीस कर उसका पाउडर बना लें। इस पाउडर को नारियल तेल के साथ मिलाकर बालों की जड़ों पर लगाते हुए सिर की अच्छी तरीके से मसाज करें। इसका उपयोग करने से बालों से रूसी जल्द ही गायब हो जाएगी और बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।